डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले हम लोग को क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को टेबल का हम रिवीजन करा देते हैं। आप लोग को तो टेबल आता होगा, बट फिर भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे तो और अच्छी बात है। सो पहले टेबल ऑफ़ टू, फिर टेबल ऑफ थ्री, टेबल ऑफ फोर, टेबल ऑफ फाइव, यानी कि टू थ्री फोर एंड फाइव का टेबल आपको हम बता रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं टेबल। यहाँ पर हम टू का टेबल देखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए ये है आपका टेबल ऑफ टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग टेबल पढ़ते हैं, टू वन जा टू, यहाँ पे पढ़ते हैं टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी। ऐसे आप लोग टेबल पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है और आप लोग ईजिली पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों टेबल थ्री का पढ़ेंगे। थ्री वन जा थ्री हो गया, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन एंड थ्री टेन जा थर्टी। तो हो गया ये टेबल थ्री का, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे फोर का। फोर का टेबल बच्चों हम लोग किसका टेबल पढ़ेंगे, फोर का। फोर का टेबल स्टार्ट करते हैं। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, फोर एट जा थर्टी टू, फोर नाइन जा थर्टी सिक्स, फोर टेन जा फोर्टी, फोर जीरो फोर्टी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग फाइव का टेबल पढ़ेंगे। फाइव का टेबल भी ईजिली पढ़ सकते हैं। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, फाइव टेन जा फिफ्टी। तो बच्चों हम लोग आज टेबल किसका किसका पढ़े हैं, तो टेबल पढ़े हैं हम लोग टू का, थ्री का, फोर का और फाइव का। फिर अगले वीडियो में हम सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का, टेन का, ऐसे कंटिन्यूसली हम लोग क्या करेंगे, टेबल को रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और लिखेंगे। साथ ही साथ आप लोग टेबल को पढ़िएगा और लिखिएगा, तो हम लोग को क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने में, गुणा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज जब तक हम लोग को टेबल नहीं याद रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करने में, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने में हमें प्रॉब्लम होंगी। इसलिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, हम लोग सब लोग साथ मिलकर टेबल को याद करेंगे और फिर देन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, गुणा सीखेंगे। कैसे गुणा सीखते हैं हम आप लोग को आगे बताएंगे, बट उससे पहले क्या करना है, हम लोग को 10 तक टेबल कंप्लीट करना है। फिर आगे हम लोग 20 तक भी कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ईजिली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।